الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم। तीसरे पारे में सूरह बकरा के आखिरी 8 रुकू यानी रुकू नंबर 33 से रुकू नंबर 40 और सूरह आले इमरान के 20 में से इब्तदाई 9 रुकू शामिल है। रुकू नंबर 33। 33वें रुकू में हजरत जालूत हजरत तालूत की जालूत के साथ जंग का जिक्र है। हजरत तालूत का लश्कर तादाद और असबाब के अतबार से कमज़ोर था लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर था। उन्होंने अल्लाह से सब्र इस्तेकामत और नुसरत की इल्तिजा की। अल्लाह ने उन्हें उनकी मदद फरमाई और उन्होंने जालूत के कई गुनाह पर बड़े लश्कर को शिकस्त फाज दी। गोया अहमियत असबाब की नहीं अल्लाह की मदद की है। ये मदद उनके लिए है जिनकी नियतों में इखलास हो और जो हक की खातिर डट जाने वाले हैं। रुकू नंबर 34। 34वें रुकू में हुक्म दिया गया कि क़यामत आने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च करो। वो क़यामत जिसमें कोई सिफारिश कोई रिश्तेदारी कोई लेन देन काम न आएगा। फिर इस रुकू में आयतुल कुर्सी है जो तमाम आयत कुरानी की सरदार है। इस आयत में अल्लाह की कई सिफात का बयान है। इस आयत में उम्मीद दिलाई गई कि अल्लाह अपने नेक बंदों को बाज गुनाहगारों की के हक में शिफात की इजाज़त अता फरमाएगा। अल्लाह हमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन। आयतुल कुर्सी के बाद इरशाद हुआ कि अल्लाह अपने नेक बंदों का वली है और उन्हें गुमराहियों के अंधेरों से निकाल कर हक की रोशनी की तरफ ले आता है। बुरे लोगों के दोस्त शयातीन हैं जो उन्हें हिदायत की राह से हटाकर गुमराहियों की तरफ ले जाते हैं। रुकू नंबर 35। 35वें रुकू में अल्लाह की कुदरतों के इजहार के लिए 3 वाक़यात का बयान है। ख़ास तौर पर अल्लाह की इस शान को नुमाया किया गया कि वो मरने के बाद इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है। यहाँ पर वाक़यात का जिक्र नहीं है लेकिन अगर हमें शौक़ पता होगा तो हम खुद जाके फिर इन वाक़यात को पढ़ेंगे। रुकू नंबर 36। 36वें रुकू में हुक्म दिया गया कि अल्लाह की राह में खुलूस के साथ माल खर्च करो। दिखावा करना किसी को सदका देकर एहसान जतलाना या ताना देना सदकात को ज़ाया कर देता है। खुलूस के साथ खर्च करने वालों को अल्लाह 700 गुना तक अजर अता फरमाता है। फिर अल्लाह जिसके लिए चाहे अजर को और बढ़ा देता है। अल्लाह हमें अपनी राह में न सिर्फ खर्च करने बल्कि अपने इन्फाक की हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। रुकू नंबर 37। 37वें रुकू में हिदायत दी गई कि अल्लाह की राह में अच्छा और पाकीज़ा माल खर्च करो। जैसा माल तुम्हें पसंद है वैसा ही माल अल्लाह की राह में दो। फिर इंफाक में माल का बेहतरीन मसरफ ऐसे लोगों की माली मदद करना है जो दीन की खिदमत में इस तरह लगे हुए हैं कि माश के लिए जिद्दोजहद नहीं कर सकते। मजीद फरमाया कि माल और दौलत से ज़्यादा बड़ी नेमत हिकमत है यानी हक व बातिल को पहचानने वाली बातिनी बसीरत। जिसे हिकमत अता की गई उसे तो बहुत बड़ी भलाई मिल गई। अल्लाह हमें भी अता फरमाए। आमीन। रुकू नंबर 38। 38वें रुकू में सूद की हुरमत का बयान है। हुक्म दिया गया कि सूदी लेन देन छोड़ दो वरना तुम्हारे खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। डरो उस दिन से जब तुम सब अल्लाह के दरबार में पेश किए जाओगे और हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। रुकू नंबर 39वें रुकू में अर्ज उधार लेन देन बाहमी मुआहिदात रहन और गवाही के हवाले से तफसीली हिदायत दी गई हैं। रुकू नंबर 40। 40वें रुकू में आखिर के मुहासबे से खबरदार किया गया। वह इन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह चाहे तुम किसी बात को ज़ाहिर करो या छुपाओ अल्लाह तुमसे हिसाब ले लेगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा ए अल्लाह हमसे हिसाब फरमा आसान हिसाब। सूरह मुबारक की आखिर में अहले ईमान को एक अजीम शान दुआ का तोहफा दिया गया। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना ए हमारे रब हमारी पकड़ ना फरमाइए उस पर जो हम भूल गए या हमसे खता हुई। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहू अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना
ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डालिए जो आपने हमसे पहले आने वालों पर डाला। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह, ऐ हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डालिए जो हम उठा न सकें। वाफ़ु अन्ना, और हमसे दरगुजर फरमाइए। वग़फिर लना, और हमारी बख्शिश फरमाइए। वरहमना, और हम पर रहम फरमाइए। अंत मौलाना, आप ही हमारे मौला हैं। फंसुरना अनल क़ौमिल काफ़िरीन, बस हमारी मदद फरमाइए काफिर कौम के मुकाबले में। इसके बाद सूरह आले इमरान का आगाज़ हो रहा है। सूरह आले इमरान का अगर एक मौजू मुअय्यन किया जाए तो यह है कश्मकश हक़ व बातिल में सब्र व तक़वा की तरतीब। रुकू नंबर एक, पहले रुकू में अजमत कुरान हकीम का बयान है। कुरान हकीम ना सिर्फ हक़ पर मबनी किताब है बल्कि अब यही किताब हक व बातिल में फ़र्क की कसौटी है। इसमें कुछ आयात बिल्कुल वाज़े हैं जो कि कुरान की तालीमात की बुनियाद हैं, कुछ दूसरी आयात हैं जो मुतशाबे हैं, यानी हमारी नाकिस अकल के लिए उन्हें समझना मुश्किल है। जिनके दिलों में टेढ़ होता है वो मुतशाबे आयात ही को अपने गौर व फिक्र का मौजू बनाते हैं और उनकी खुद साख्ता ताबीर करते हैं ताकि कोई फितना उठा सकें। अलबत्ता इल्म में पुख्तगी रखने वाले लोग कहते हैं कि कुरान की हर आयत हो इसका फहम हमारी अकल में आए या ना आए हक है, क्योंकि उसे हमारे रब ने नाजिल किया है। वो अपने रब से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, ऐ हमारे रब, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर दीजिएगा और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाइएगा, बेशक आप ही अता फरमाने वाले हैं। रुकू नंबर दो, दूसरे रुकू में वाज़े किया गया कि बीवियों, औलाद, मालो दौलत, सोने चांदी, खेतों और दीगर असबाब दुनिया की मोहब्बत इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। इंसान के लिए इम्तिहान ये है कि आया वो इन दुनियावी मोहब्बतों को तरजीह देता है या आखिरत की नेमतों का तलबगार बनता है। दुनियावी नेमतें वक्ती और घटिया हैं जबकि आखिरत की नेमतें अबदी और आला हैं। आखिरत की नेमतें उन मुत्तकियों को मिलेंगी जो अल्लाह से डरने वाले, उसकी बंदगी करने वाले और ख़ास तौर पर सहर के वक्त में यानी नमाज तहज्जुद के साथ बख्शिश मांगने वाले हैं। इस रुकू में ये ऐलान भी किया गया कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही दीन हक है जो ज़िंदगी के इंफरादी और इज्तिमाई मामलात के लिए हिदायत देता है। चूँकि दीगर इल्हामी मज़ाहिब में तहरीफ हो गई इसलिए अल्लाह की निगाह में उनकी हक्कानियत ख़त्म हो चुकी है। रुकू नंबर तीन, तीसरे रुकू में नसीहत की गई कि मोमिनों को चाहिए कि वो मोमिनों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त ना बनाए। जिसने ऐसा किया उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, हाँ अगर जान को ख़तरा हो तो फिर ज़ाहिरी तौर पर दोस्ती की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि इंसान काफिरों से डरने के बजाय अल्लाह से डरे और अजीमत की राह इख्तियार करे। रुकू नंबर चार, चौथे रुकू में बयान किया गया कि हज़रत मरियम सलामुन अलैहा की वालदा ने ये नज़र मानी कि मेरे यहाँ जो भी औलाद होगी मैं उसे खिदमत दीन के लिए वक्फ करूँगी। ऐसी नज़र मानने वालों के यहाँ बेटे की विलादत होती थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हज़रत मरियम सलामुन अलैहा जैसी अजीम बेटी अता फरमाई। अल्लाह ने साथ ही बशारत दी कि इस बेटी जैसा कोई बेटा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने उसे तमाम जहान की औरतों पर फजीलत दी है। हज़रत मरियम सलामुन अलैहा को खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दिया गया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आपकी बहुत उम्दा तरबियत की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम सलामुन अलैहा के पास आते तो उनसे इल्म व हिकमत के बहुत आला आला नुकात सुनते और हैरान होते कि तन्हाई में उनके पास इल्म व हिकमत के ये आला मोती कहाँ से आते हैं। एक बार हज़रत मरियम से पूछा कि ये कहाँ से सीखे, उन्होंने जवाब दिया हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह बग़ैर असबाब के भी अता करता है। ये जवाब सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल पर चोट पड़ी और फौरन अल्लाह से दुआ की कि अगरचे मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तू बग़ैर असबाब के भी दे सकता है, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा जो मेरे बाद हक की तबलीग के मिशन को जारी रखे। अल्लाह ने उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा अजीम बेटा अता फरमाया। अल्लाह हमें भी अपने फजल से नेमतें अता फरमाए, आमीन। रुकू नंबर पाँच, पाँचवें रुकू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
कि बगैर वालिद के मोजज़ाना विलादत और फिर उनके हाथ से ज़ाहिर होने वाले बहुत से मोजज़ात का बयान है। उनकी इस पुकार का भी जिक्र है कि मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए यानी उसके दीन की नुसरत के लिए मेरा साथ देगा। महज चंद अफराद ने उनकी दावत कबूल की और अल्लाह की फरमाबरदारी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देने का ऐलान किया। रुकू नंबर 6। छठे रुकू में ईसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा, उन्हें आसमान पर उठा लेगा और उनके दुश्मनों को दुनिया और आखिरत में अजाब से दोचार करेगा। रुकू नंबर 7। सातवें रुकू में अहले किताब को दावत दी गई कि आओ हम सब आसमानी किताबों की मुश्तरका तालीम को कबूल करके इख्तलाफ ख़त्म कर लें। वो मुश्तरका तालीम ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, उसके हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दें। गोया जब भी किसी फरीक को दावत देनी हो तो दावत की बुनियाद ऐसे नुकात को बनाया जाए जो दोनों फरीकों के दरमियान मुश्तरक हों। अहले किताब की महरूमी कि उन्होंने इस दावत को कबूल न किया बल्कि दूसरों को भी तौहीद की राह से रोकने का जुर्म किया। रुकू नंबर 8। आठवें रुकू में यहूद की एक साजिश और एक गुमराही का जिक्र है। उन्हें इस बात का शदीद गुस्सा था कि जो भी मुसलमान होता है वो इस दीन पर कायम रहता है और उसे छोड़ता नहीं। उन्होंने साजिश के तहत तय किया कि हम सुबह के वक्त ज़ाहरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लेंगे और शाम के वक्त इस्लाम को छोड़ने का ऐलान करेंगे ताकि इस्लाम की साख यानी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो और कुछ लोगों के दिलों में इसके हवाले से शकूक व शुबहात पैदा हो जाए। इस रुकू में यहूद की एक गुमराही भी बयान हुई। उनका दावा था कि हम गैर यहूदियों के साथ हर किस्म की ज़्यादती कर सकते हैं और इस पर अल्लाह हमें सज़ा नहीं देगा। शरीयत पर अमल सिर्फ यहूद के दरमियान होगा, गैर यहूदियों के लिए कोई शरीयत नहीं। अल्लाह ने उनके इस दावे को झूठ करार दिया और उन्हें दर्दनाक अजाब की वही सुनाई। अल्लाह का जाब्ता तो यह है कि जो भी ईमान लाएगा और तकवा की रविश इख्तियार करेगा अल्लाह उसे ज़रूर नवाजेगा, ख्वाह वो किसी नस्ल और किसी रंग का हो। रुकू नंबर 9। नवे रुकू में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के लिए कि अलैहिस्सलाम से लिए गए एक अहद का जिक्र है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अहद दिया था कि तुम्हारी मौजूदगी में अगर आखिरी रसूल आ जाएं तो उन पर ईमान लाना और उनके साथ उनका साथ देना। तमाम अंबिया ने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे। अब जो लोग भी उन अंबिया के नाम लेवा हैं उन पर लाजिम है कि वो अपने अंबिया के किए गए अहद की पाबंदी करें। यहूदियों और ईसाइयों को चाहिए कि अपने अंबिया के अहद का पास करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएं और दीन इस्लाम को कबूल कर लें। इस रुकू में खबरदार किया गया कि अगर किसी ने दीन इस्लाम को कबूल न किया तो अल्लाह ये रविश हरगिज कबूल नहीं करेगा। ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से दुनिया में लानत और आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस्लाम को कबूल कर लें तो फिर अल्लाह के हाँ उनकी बख्शिश की सूरत पैदा हो जाएगी। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।